Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and doing well. I'm your teacher Ms. Wajiha from Meridian Grammar School, and for today our topic is descending order. First of all, what you have to know is what are basically descending orders. Okay, so descending order means you have given some numbers and you have to arrange all that numbers from the bigger number to the smaller one. पहले आप सबसे बड़ा number ढूंढ के लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. अगर आप अपने given numbers को इस order में, इस particular order में arrange करते हैं, that order basically is called descending order. Okay? So I have one example for you. We have three numbers, 17, 15 and 19. अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है. सबसे पहले जब भी आपको नंबर दिखे, आप मैथमेटिक्स में अपने नंबर्स के ऊपर वंस एंड टेंस डाल दीजिए. ठीक है, जैसे कि मैं अभी डाल रही हूँ. सही, टेंस जो है वो सबका सेम है, 1, 1, 1, तो मुझे इससे अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है. तो मैं अब सबका वंस देखूंगी. यहाँ 9 है, यहाँ 15, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है. ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा कहलाया? 9. उससे छोटा कौन सा कहलाया? 7. और उससे भी छोटा क्या कहलाया? 5. इट मीन्स 19, 17, and 15. ये मैंने अरेंज कर दिया अपने नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में. लिस्ट जो गिवन थी उसमें से सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा. हेयर आई हैव वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू. 2, 58, 99, 77, 49, and 100. ये हमारे नंबर्स हैं. अच्छा, जब आपके पास डबल नंबर्स और ट्रिपल नंबर्स दोनों हैं, तो पहले तो हमारे पास वंस, टेंस, हंड्रेड आप इसके ऊपर अरेंज कर लें. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर आपको नहीं अगर समझ आ रहा, तो आप वंस और टेंस की वैल्यू दो तीन नंबर्स को देखते हुए पहचान सकते हैं कि अच्छा, अगर इनके टेंस सेम हैं या इनके टेंस बड़े हैं, तो मैं किस तरह से इसे अरेंज कर सकती हूँ. सही, वंस टेंस, तो आपको हेल्प रहेगी. ये वंस ऐसे, ठीक है, दिस वन इज़ ऑल नी वंस. चलें, सबसे बड़ा नंबर ऑब्वियसली वो वाला कहलाएगा जिसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं, मतलब कि 100. तो अब मैं इसे अगर अरेंज करूँ तो मेरा 100 सबसे बड़ा है. उसके बाद अब हम टेंस देख लेते हैं. यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9, यहाँ 5, यहाँ 2. वंस को मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ टेंस देख रही हूँ अभी. 9 मेरा सबसे बड़ा कहलाया, तो मीन्स 99 वाला नंबर लिखूँगी मैं. 9 से छोटा क्या है? 7, तो 77 वाला नंबर आ गया. उससे छोटा क्या है? 58. उससे छोटा क्या होगा? 49. और उससे भी छोटा सिंगल नंबर कहलाएगा, दैट इज 2. सो हियर वी हैव अरेंज्ड ऑल द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज मीन बाय डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू अरेंज द गिवन नंबर्स फ्रॉम द बिगर वन टू द स्मॉलर वन. So we have, right now we have 85, 17, 32. Let's practice some more sums. 49, 6 and 82. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सबके ऊपर ones, tens डाल दीजिए. सही, अब हम क्योंकि इसके tens के सारे numbers different हैं, तो अब हम सिर्फ tens को देखेंगे. जिसमें सिर्फ वंस है, इट मीन्स वो बहुत छोटा नंबर है. सही, वो तो हमें वैसे ही समझ आ रहा है. चलिए अब हम टेंस देखते हैं. 8, 1, 3, 4, 8. ये दोनों 8 हैं, लेकिन दोनों तो मैं नहीं लिख सकती हूँ. दोनों में से मुझे कोई एक चूज़ करना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है. 85 बड़ा है कि 82? अब दोनों के 8 सेम है, तो अब मैं इसका वंस देखूँगी. यहाँ वंस में 5 है और यहाँ वंस में 2 है. 2 छोटा है और 5 बड़ा है. इट मीन्स यहाँ जो है सबसे पहले 85 आएगा, उसके बाद 82 आएगा. अब बाकी नंबर्स को देखते हैं. 1, 3, 4. 4 बड़ा है तो 49.
थ्री बड़ा है उसके बाद, तो 32, उसके बाद 17, एंड देन व्हाट इज लेफ्ट, ओनली 6. 98, 39, 93, 69, 92, 99. Let's place the value of the numbers. One stands, and one stands. अच्छा जी, अब हम सिर्फ टेंस को देखते हैं. 9, 3, 9, 6, 9, 9. 9 ऑफ कोर्स बड़ा है 6 और 3 उससे छोटा है, लेकिन 9 के आगे मजीद नंबर्स हैं. अब कौन सा वाला 9 बड़ा है वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो अब मैं इन 9s के बराबर में मौजूद 1s को देखूंगी. यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, 2 एंड 9. 9 सबसे बड़ा कहलाया तो 99 आ गया, कॉमा. अब 8 है तो यहाँ 98 आ गया. 3 और 2, 3 बड़ा है तो 93, फिर 2 बड़ा है तो 92. अब बचे दो नंबर्स 39 एंड 69. 6 बड़ा हुआ कि 3, 6 बड़ा है तो मैं 69 लिखूंगी, एंड देन लेट्स राइट हियर 39. दैट्स इट. सो दिस इज बेसिकली आवर लेक्चर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर. होप यू लाइक इट. अल्लाह हाफिज़.